Today's video for class 12th business studies and topic is nature of management. इससे previous videos में आपने management का meaning, management की features, management के objectives और management के importance के बारे में पढ़ा. आज हम पढ़ेंगे nature of management. Management की प्रकृति समझने से पहले हमें ये देखना होगा different authors ने पहले क्या कहा है इसके बारे में. कुछ authors का कहना management science है. बिकॉज साइंस में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो ऑब्जर्वेशन बेस पर बनाए जाते हैं, उसी तरह मैनेजमेंट में भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको ऑब्जर्वेशन से ही बनाया गया है. कुछ ऑथर्स का कहना है मैनेजमेंट आर्ट है, क्योंकि आर्ट में जिस तरह प्रैक्टिस और स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं वैसे ही मैनेजमेंट में भी प्रैक्टिस और स्किल रिक्वायर होती है. कुछ ऑथर्स का कहना है मैनेजमेंट प्रोफेशन बनने जा रहा है, क्योंकि प्रोफेशन में भी स्पेशलाइज नॉलेज की जरूरत होती है और मैनेजमेंट में भी स्पेशलाइज नॉलेज की जरूरत होती है. सो मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है, प्रोफेशन है, ये डिसाइड करने के लिए हमें मैनेजमेंट की फीचर्स को साइंस, आर्ट और प्रोफेशन के मीनिंग और फीचर्स से कंपेयर करना पड़ेगा. यहाँ पर हम तीनों की फीचर्स को मैनेजमेंट की फीचर्स से कंपेयर करेंगे, तब हम ये कंक्लूड करेंगे कि मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट या फिर मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. फर्स्ट हम करते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस. मैनेजमेंट एक साइंस है. साइंस क्या होती है? साइंस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी. सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी मानी जाती है. साइंस ऑर्गेनाइज्ड बॉडी होती है जो लॉजिकली ऑब्जर्व्ड फाइंडिंग्स पर बेस्ड होती है और साइंस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करती है. सो साइंस कैन बी डिफाइंड एज ए सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिकली ऑब्जर्व्ड फाइंडिंग्स और साइंस एस्टेब्लिश्ड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. साइंस के फर्स्ट फीचर को अगर हम देखें, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. साइंस एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है. साइंस को समझने के लिए कुछ थ्योरीज हैं. साइंस को समझने के लिए हमारे पास कुछ थ्योरीज प्रेजेंट हैं, जिनसे हम साइंस की नॉलेज एक्वायर करते हैं. वैसे ही थ्योरीज मींस स्टडी मटेरियल. इसी तरह मैनेजमेंट में भी कुछ स्टडी मटेरियल्स और थ्योरीज हैं जिनसे हम मैनेजमेंट की नॉलेज एक्वायर करते हैं. सो दिस फीचर इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट. ये फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट है. जिस तरह साइंस की थ्योरीज हैं वैसे ही मैनेजमेंट की भी थ्योरीज हैं. सेकंड, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन. साइंस के जो प्रिंसिपल हैं वो बार बार ऑब्जर्वेशन करके, बार बार एक्सपेरिमेंट करके, उनको टेस्ट करके बनाए गए हैं. उसी तरह मैनेजमेंट के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं. मैनेजमेंट के प्रिंसिपल भी ऑब्जर्वेशन के बेस पर बने हैं. सो मैनेजमेंट डील विद, बट यहां पर ये है, साइंस के प्रिंसिपल जो हैं, जो प्रिंसिपल बन गया वो वही रहना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा. बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल की अगर बात की जाए, मैनेजमेंट डील करता है ह्यूमन बिहेवियर से. ह्यूमन बिहेवियर से, जिसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है. ह्यूमन बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है. इसीलिए जो प्रिंसिपल्स हैं, जो बने हुए हैं, बने तो ऑब्जर्वेशन के बेस पर हुए हैं, बट सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनमें चेंज किया जा सकता है. सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज पार्शियली प्रेजेंट. साइंस की ये फीचर जो है मैनेजमेंट में पार्शियली प्रेजेंट है. नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल वैलिडिटी.
साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। साइंस के प्रिंसिपल यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल नॉट एग्जैक्ट एज साइंस। साइंस जितने एग्जैक्ट नहीं है इसीलिए ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं हो सकते, इनमें मॉडिफाई किया जा सकता है, मॉडिफिकेशन, इनमें मॉडिफिकेशन हो सकता है अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को सिचुएशंस के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया जा सकता है, बट साइंस के प्रिंसिपल यूनिवर्सली एप्लीकेबल होंगे। सो दिस फीचर ऑफ मैनेजमेंट या दिस फीचर ऑफ साइंस इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। सो साइंस की हमने तीन फीचर्स पढ़ी हैं, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जो कि प्रेजेंट है मैनेजमेंट में, प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, ये भी पार्शियली प्रेजेंट है बिकॉज मैनेजमेंट जो है ह्यूमन बिहेवियर से डील करता है जिसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। थर्ड, यूनिवर्सल वैलिडिटी, साइंस के प्रिंसिपल यूनिवर्सली वैलिड है बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मॉडिफाई हो सकते हैं। अब बात करते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट कैन बी डिफाइंड एज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिक्वायर्स स्किल्स, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस। स्किल्स, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस। आर्ट जो है एक ऐसी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसमें स्किल्स यानी कुशलता की जरूरत पड़ती है, क्रिएटिविटी सृजनात्मकता हमें चाहिए और प्रैक्टिस यानी अभ्यास चाहिए। इन तीनों से हमें क्या करना है, गेट परफेक्शन। इन तीनों चीजों से हमें परफेक्शन, पूर्णता लाने की कोशिश करनी है, वही है आर्ट। आर्ट इज ए सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ बॉडी विच रिक्वायर्स स्किल्स, क्रिएटिविटी, प्रैक्टिस टू गेट प्रोफेशन। अब आर्ट के फीचर्स को मैनेजमेंट से कंपेयर करेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरटिकल नॉलेज, आर्ट के लिए कुछ थियोरटिकल नॉलेज की जरूरत होती है, कुछ थ्योरीज हमें पढ़नी पड़ती हैं। लाइक एक म्यूजिशियन है, उसे राग की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, रागास थ्योरीज पढ़नी पड़ेंगी। उसी तरह मैनेजमेंट में एक मैनेजर को मैनेजर बनने से पहले कुछ मैनेजीरियल थ्योरीज पढ़नी पड़ेंगी जिससे वो सिचुएशंस को हैंडल करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना अच्छे से सीख जाए। सो दिस फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज सॉरी दिस फीचर ऑफ आर्ट इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। सेकेंड है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन में होता है व्यक्तित्व के बेस पर प्रयोग करना। like, जब हम आर्ट करते हैं या कला, कोई भी कला सीखते हैं तो हमें अपनी पर्सनल एप्लीकेशन, पर्सनल स्किल्स और पर्सनल क्रिएटिविटी की जरूरत होती है। like, एक म्यूजिशियन है, सारे म्यूजिशियंस रागास तो सेम सीखते हैं लेकिन उन रागास से वो अपनी क्रिएटिविटी या पर्सनल स्किल्स को यूज करके कुछ अलग निकालते हैं जो सबसे अलग होता है, वो सबसे अलग जाने जाते हैं, उनका म्यूजिक सबसे अच्छा होता है। सो यहाँ पर वो पर्सनल एप्लीकेशन वाला फीचर है, फीचर की बात करेंगे कि उनकी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन अलग है, अपने तरीके से उसका यूज करना, अपनी क्रिएटिविटी के बेस पर उसका यूज करना, दिस बेस पर वो अलग करता है और अलग से पहचाना जाता है। उनकी एफिशिएंसी जो है उनके प्रिंसिपल्स पर डिपेंड करती है कि वो किस तरह उस चीज को फॉलो करते हैं, उस काम को करते हैं। सो मैनेजमेंट में भी यही है, मैनेजमेंट में भी पर्सनल एप्लीकेशन होते हैं, सारे मैनेजर्स थ्योरी सेम सीखते हैं लेकिन कुछ मैनेजर्स इतने एफिशिएंट होते हैं जो जिनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जो अच्छे से सिचुएशन को हैंडल कर पाते हैं, टारगेट अचीव कर पाते हैं, डिफरेंट डाउनफॉल्स में अपने आप को स्टैंड कर पाते हैं। सो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट।
ये भी प्रेजेंट है. नेक्स्ट है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, हमने ये सुना है. ये आर्ट में ही आता है कि आर्ट में, कला में प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ती है. जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा वो उतना ही अपने आप को निखारता जाएगा, उसकी स्किल्स इंप्रूव होती जाएंगी. सो जैसे एक आर्टिस्ट को थ्योरेटिकल नॉलेज होती है तो वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर अपनी अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है. इसी तरह मैनेजमेंट में भी प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी से मैनेजीरियल थ्योरीज को यूज करते हुए वो डिफरेंट सिचुएशंस से निकलता है और अपने आप को इम्प्रूव करता है, अपनी एफिशिएंसी बढ़ाता है. सो दिस फीचर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट. अब बात करते हैं मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन. अगर प्रोफेशन की बात की जाए तो प्रोफेशन इज ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, या फिर प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन बेस्ड बाय स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग इन विच एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड. प्रोफेशन के लिए मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, प्रोफेशन के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत होती है. स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ट्रेनिंग, और एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होगी. सो एक विशेष ज्ञान अभ्यास और कोई स्पेशल नॉलेज वाला पर्सन ही अपने प्रोफेशन में, जिस प्रोफेशन की बात हो रही है, अपने प्रोफेशन में एंट्री कर सकता है. अनदर पर्सन एंट्री नहीं कर सकता. फर्स्ट फीचर की बात करेंगे, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. प्रोफेशन में कुछ थ्योरीज होती है, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, मतलब ज्ञान के लिए कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज होती है. थ्योरेटिकल नॉलेज. सो मैनेजमेंट में भी कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज, मैनेजीरियल थ्योरीज हम पढ़ते हैं. सो इसलिए ये फीचर जो है प्रोफेशन की मैनेजमेंट में प्रेजेंट है. नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री. प्रोफेशंस जो है एंट्रीज को रेस्ट्रिक्ट करते हैं. रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब यहाँ पर है, जैसे डॉक्टर्स के लिए MBBS की डिग्री लेना बहुत जरूरी है, लॉयर्स के लिए LLB करना, MLB करना, जो भी है वो जरूरी है. रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, इनमें और अनदर फील्ड वाला पर्सन जाएगा ही नहीं. जिनके पास ये डिग्री होगी वही लोग इसमें, इस फील्ड में एंट्री कर सकते हैं. सो मैनेजमेंट में ऐसा अभी कुछ नहीं है कि किसी पर्टिकुलर डिग्री वाला ही पर्सन, कोई मैनेजमेंट के लिए कोई डिग्री बनी हो वो पर्सन ही एंट्री करे. लेकिन बहुत सारी कंपनीज जो हैं प्रेजेंट में कंपल्सरी करने लगी हैं कि MBA वाला, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिग्री वाला ही पर्सन मैनेजर बन जाए. सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, बट वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड. नेक्स्ट है प्रेजेंटली नॉट. प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशंस, जैसे रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, जब प्रोफेशन में, जब हम किसी प्रोफेशन में आते हैं स्पेशलाइज्ड नॉलेज के लिए स्पेशल डिग्री लेकर के, हम किसी एसोसिएशन से रजिस्टर्ड होते हैं. कोई एसोसिएशन होती है जो हमारी डिग्री को रजिस्टर्ड करती है. सो प्रोफेशन में जैसे एग्जांपल लिया जाए, डॉक्टर्स को अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में, जबकि लॉयर्स को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया में. अगर मैनेजमेंट की भी बात की जाए तो हमारे कंट्री में मैनेजमेंट एसोसिएशंस काफ़ी एस्टेब्लिश हैं, सेट की गई हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, जो कुछ मैनेजमेंट के लिए एथिकल कोड प्रेजेंट करती हैं. फॉर एग्जांपल AIM में इन न्यू दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एट कोलकाता, बट लीगली नॉट कंपल्सरी. अभी इनको कंपल्सरी नहीं किया गया है इन एसोसिएशंस को. सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट. प्रेजेंटली ये फीचर जो है प्रोफेशन की प्रेजेंट नहीं है, मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है, बट वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड. नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड. एथिकल कोड,
जब कोई पर्सन प्रोफेशन में होता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज के साथ रेस्ट्रिक्टेड एंट्री के साथ प्रोफेशनल एसोसिएशन से रजिस्टर्ड हो जाता है तो एक एथिकल कोड होता है जो उसे फॉलो करना पड़ता है। इसी तरह मैनेजमेंट में अभी मैनेजमेंट के लिए कोई एसोसिएशन को कंपल्सन नहीं किया है, मैनेजमेंट में रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं हुई है, बट फिर भी ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन AIMA कुछ कोड ऑफ कंडक्ट इंडियन मैनेजर्स को प्रोवाइड कराती है जो उनको फॉलो करने पड़ते हैं। बट वही बात फिर आ जाएगी, ये अभी इतना कंपल्सरी नहीं हुआ है बट एज सून इट विल बी कंपल्सरी। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। प्रोफेशन में सर्विस मोटिव होता है जब हम प्रोफेशन में होते हैं, कोई भी डिग्री हमारे पास होती है, हम डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, हमारा पहला मोटिव होगा सर्विस प्रोवाइड कराना। बट अगर मैनेजमेंट की बात की जाए, मैनेजमेंट में सर्विस मोटिव नहीं होता, मैनेजमेंट का एक ही मोटिव होता है ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना। प्रोफेशन में सर्विस मोटिव के साथ इनकम अर्न करना होता है, लेकिन मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करते हुए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना होता है। बट धीरे धीरे इसमें भी चेंजेस आते जा रहे हैं। एक मैनेजर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करते हुए सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी ध्यान रखता है, क्योंकि वो सोसाइटी का एक पार्ट है, सोसाइटी में ही उसकी ऑर्गेनाइजेशन लगी हुई है, इसीलिए उसे सोशल ऑब्जेक्टिव फॉलो करने पड़ते हैं। सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, बट वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड इन मैनेजमेंट फीचर्स। और एथिकल कोड प्रेजेंटली नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। सो दीज आर द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन। साइंस की फीचर्स को मैनेजमेंट से कंपेयर किया गया, जिससे हमने पाया कि मैनेजमेंट जो है इनएग्जैक्ट साइंस है, इनएग्जैक्ट और सोशल साइंस है। और मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट की आर्ट की तीनों फीचर्स जो है मैनेजमेंट की फीचर्स से मैच करती हैं, सो इसलिए मैनेजमेंट को आर्ट कहा जा सकता है। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, प्रोफेशन की 5 फीचर्स में से एक ही फीचर जो है मैनेजमेंट में अभी है, बट वेरी सून ऑल द 4 फीचर्स आर also included in the features of management. On comparing the features of profession with management, we can conclude that presently all the features of profession are not present in management, but very soon, maybe next decade, it will be included in the management. So we can say that management is on the path of becoming profession. On the path of becoming profession. Profession बनने के पाथ पर है मैनेजमेंट, अभी फुल्ली या फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है। सो इससे रिलेटेड केस स्टडीज और क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, एंड इससे रिलेटेड नोट्स आप अपनी नोटबुक में मेंटेन करेंगे। थैंक यू।